आज का महानगर में आपका स्वागत है। आने वाले महीने यानी नवंबर की 20 तारीख को महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव है। मुंब्रा कलवा विधानसभा क्षेत्र में भी किस प्रकार से बड़ी पार्टियों द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया गया उसकी भी खबरें हम आपको दिखा चुके हैं। अब SDPI ने भी अपना उम्मीदवार मुंब्रा कलवा विधानसभा से खड़ा किया है। सरफराज शेख इस उम्मीदवार का नाम है। 29 तारीख के दिन एकदम शांत तरीके से इन्होंने भी अपना पर्चा भरा है। मीडिया से बात करते हुए देखिए क्या कहा है इन्होंने। सरफराज भाई, आज आपने अपना पर्चा भरा है और बड़ी शांति से, जैसे और लोगों ने भी पर्चे भरे थे, पूरे रोड जाम थे और पब्लिक रास्ते पे उतरी हुई थी, ऐसा कोई दावा कर रहा है, कोई 10,000 उतारा है, कोई 20,000 उतारा है, और आप इतने शांति से चले आए और पर्चा भर के यहाँ खड़े, तो आप उसको लेके और मुंब्रा वासियों को क्या इस चीज़ों का मैसेज देंगे? देखिए, जो ज़्यादा शोर शराबा करता है ना, जो ज़्यादा साउंड करता है, उनका काम हमेशा फेल रहता है, ये आप हकीकत है। जो खामोशी से जाता है उनका काम पूरे हिंदुस्तान में घुसता है, ये SDPI है। आप देखेंगे यहाँ पे पर्चा भर के आए, जो भी आए वो पब्लिक को आप पूछे तो कितने लोग, हम तो रिकॉर्डिंग कॉल भी आ गया, जो 200-500 रुपये लेके आए। SDPI के पास 200-500 पब्लिक नहीं, SDPI के पास आवाम है, क्योंकि वो आवाम की पार्टी है और हमारा काम ही सादगी का है। लेकिन आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी पार्टी जो काम नहीं कर पाई, वो SDPI बिगर MP MLA के पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है और अभी तक कर रही है और 365 दिन कर रही है। आप चाहे तो प्रोटेस्ट ले लो फार्मर्स का, आप चाहे तो मणिपुर ले लो, आप चाहे तो किसी का घर बुलडोज किया हो, आप तो मस्जिद का शहीद किया हो, आप चाहिए तो दलित के ऊपर किसी के ऊपर अगर हमला हो, सबकी आवाज SDPI है। ये आवाम को सोचना चाहिए, वो हिसाब से वोट देना चाहिए। सरफराज भाई, आप मुंब्रा के ही रहवासी हैं, मुंब्रा में इन 15 सालों में बहुत उलट पुलट हुए हैं हर चीजों को लेके, तो मुंब्रा को आप बाहर से आए हुए लोग से ज्यादा समझते हो, उसको लेके आप क्या? देखिए, मुंब्रा में जो उलट पुलट हुआ है तो वो अकेले आमदार का काम नहीं, आमदार के साथ जितनी टीम थी जो अभी नाटक कर रहे हैं यहाँ पे अलग होने का, वो पूरा सबका साथ सबका विकास था, चाहे वो कॉर्पोरेटर बोलो, चाहे वो नजीब भाई आए थे वो बोलो या सब बोलो, क्योंकि सबके तरफ से वो रिजर्वेशन प्लॉट छीना गया है। अब 2022 में अलग होने के बाद एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो पब्लिक को समझना चाहिए कि वो सब एक्टिंग है। आपके पास एक वाहिद पार्टी, एक वाहिद बेहतरीन ऑप्शन है SDPI, आप उसको बहुमत से वोट दीजिए और जिताए, क्योंकि हमारे पास एक एक सबके प्लान्स है, सबके हमारे पास एक एक हिस्ट्री है कि कौन कौन से प्लॉट में क्या क्या किया है। अगर आप हॉस्पिटल का प्राइवेटाइजेशन लेंगे तो कलवा से लेके शिल्पाड़ा तक 139 नगर सेवा के जिनके हॉस्पिटल प्राइवेटाइजेशन में साइन है, जो सभा में ऑब्जेक्शन नहीं उठाते, वो हमारे पास प्रूफ है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे अभी हम कॉर्नर मीटिंग करेंगे, सभा करेंगे, आवाम तक सब पहुंचाएंगे। आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आए थे तो एक बार उन्होंने कहा था कि हमारा हल हम ही है, दूसरों का झंडा हम उठाकर दौड़ते हैं और दूसरों से उम्मीदें लगाते हैं, लेकिन जब वो अपने पद पर पहुंच जाते, कामयाब हो जाते हैं, तो एकदम मक्खी की तरह आ जाते हैं ना। मुसलमान भी यतीम बच्चा है जिसे सिर्फ इलेक्शन में वोट दिया जाता है। तो क्या मैसेज रहेगा आपका मुस्लिम समाज को और शहर के? देखिए, मुसलमान हो या हिंदू हो, जो अच्छे इंसान है उसको समझना चाहिए कि हम अपना वोट्स कहाँ दे रहे हैं। आप जिसको वोट्स दे रहे हैं, वोट्स देने के बाद वो एक दो साल के बाद पार्टी जम कर लेते हैं, आपका वोट्स नुकसान हो गया। मतलब कितने लोग बोलते हैं कि SDPI वोट्स काटेगी, वोट्स कटवाए, तो आप मेरे को एक बात बताइए कि BJP है, कांग्रेस है, NCP है, ये लोग जब लड़ते हैं तो आपस में आप पीछे से देखेंगे तो ये सब हेंक रहे थे, तो इसमें वोट्स नहीं कटते। आप वोट्स कटने के बाद तवज्जो मत दो, आप वोट्स सही जगह दो जो आपके लिए अकेले आवाज़ उठाती है। आप ये देखो, वोट्स कटने से ज्यादा वोट्स जो आपके वेस्ट हो रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जिसको वोट्स दिए वो 2 महीने के बाद BJP में चले गया, आप जिसको वोट्स दिए वो 2 महीने के बाद कांग्रेस में चले गया, और आपके ऊपर जो इश्यूज होते हैं, चाहे वो दलित हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, जो भी समाज का हो, जब उनके ऊपर कुछ आफत आती है तो ये सब गायब रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर राहुल गांधी जी को देख लो, पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकान चलाए, लेकिन हिमाचल में उनका ही जो मिनिस्टर है वो मस्जिद तोड़ने की बात करता है। मणिपुर में देखो, मोदी जी पूरे हिंदुस्तान पूरे दुनिया में घूम रहे, लेकिन उनका प्लेन मणिपुर नहीं जाता है। आप BJP को देख लो, रामगिरी महाराज जो जो एक मुसलमान समाज को टारगेट करके वो बोल रहे हैं, लेकिन वो खुद एकनाथ शिंदे के साथ बैठते हैं, वो खुद अजीत पवार के साथ बैठते हैं, तो उनको क्या मुस्लिम समाज का दुख नहीं दिखता? तो ये सब आवाम को सोचना पड़ेगा, सोच समझ के अपना वोट्स दो, और वोट्स दे के आप एक ऐसे पार्टी को वहां पहुंचाओ जो आपके लिए हक इंसाफ के लिए लड़ रही है। क्योंकि आप वहां पे जब जहां पे पावर बनता है ना भाई, जहां से निधि आप लोग की माइनॉरिटीज फंड जाते हैं ना, ये वाहिद पार्टी SDPI जो आपको डोर टू डोर घर टू घर ना पहुंचा के रहेगी। थैंक यू सरफराज भाई। मेरा ये आखिरी सवाल है, जैसे अहम मुद्दा इस चुनाव का मुंब्रा कलवा में जो दिखाया जा रहा है टोरंट, और दूसरा मुद्दा है कब्रिस्तान, तो टोरंट को लेके हमने बहुत पहले बातचीत भी की थी लोगों से, मगर जो जीनियर लोग थे जो बिल भरते थे उनका कहना है टोरंट हमारे लिए बहुत बेहतर है,
चोरी से बच गए, जो हम भरते थे हमारा बराबर भरने में आ रहा है, कुछ कमी नहीं है। तो ऐसी भी सोच के लोग मुमरा में हैं और टोरंट को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, तो उसको लेके आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं मुमरा की और कलवा की आवाम को ये बोलना चाहूँगा कि टोरंट सिर्फ एक मुद्दा नहीं है भाई, सिर्फ टोरंट एक मुद्दा नहीं है। आप रिजर्वेशन प्लॉट देखो, कलवा में 9 प्लेग्राउंड है, मुमरा में एक भी प्लेग्राउंड है क्या? कब्रिस्तान का आप इशू देखो, इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग हैं, किसी ने सॉइल टेस्टिंग करवाया? किसी ने उसका पानी चेक करवाया? या हमारे एसडीपीए के कैडर्स, एसडीपीए के लीडर्स उसको वहाँ तक पहुँचाया पूरा? अगर वहाँ पे आप देखेंगे रिजर्वेशन प्लॉट जो छीना हुआ है, जो 2022 तक जब साथ में थे, ये सबका साथ सबका विकास है, हमको ये समझना होगा। अभी ये बढ़ गए, ये बटे हुए नहीं है भाई, ये अभी भी एक है। अगर आप देखेंगे तो क्यों नहीं कोई मुद्दा, अगर समाज का मुद्दा हो रहा है तो क्यों नहीं अजीत दादा उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे? क्यों नहीं शरद पवार जी यहाँ तक आ सकते मुमरा, तो पुलिस स्टेशन का कोर्ट नहीं जा सकते क्या? इन्होंने कभी अपने लेटर हेड पे किसी के लिए कंप्लेंट फाइल की क्या? तो ये सब दिखावा है। अगर इनको वाकई में समझना है ना, तो इनको बोलो कि आपके कोई कार्यकर्ता ही कोई आवाम में से लाके किसी को टिकट दो, एमएलए या कॉर्पोरेटर लड़ाओ, इनकी हकीकत सामने आ जाएगी भाई। लेकिन एसडीपीआई एक वाहिद पार्टी है जो रिक्शा चलाने वाले से लेके केला बेचने वाले से लेके इंजीनियर से लेके एडवोकेट से लेके प्रोफेसर से लेके सबके लिए काम करती है, और वही लोग ये पार्टी में रह के आज लीडर्स कैडर्स बन के देश को चला रहे हैं और देश के आवाम के लिए काम कर रहे हैं।